तो गाइस आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकों के 110 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलेगा। समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी पढ़ाई कर रहा होता है। वहाँ पर साची आते हुए नागी से कहती है कि नागी कौन खाने के बारे में क्या। साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी साची से कहता है कि रात का खाना मैं इसी रूम में खाऊँगा, आप दरवाज़ा पीटना बंद करें। नागी की ऐसी भी बातें सुनने के बाद साची नागी से कहती है कि आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि आप खाना नहीं बनाओगे। साची की ऐसी भी बातें सुनने के बाद नागी साची से कहता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मैं रूम को नहीं छोड़ सकता। यह सभी बातें सुनने के बाद साची अपने मन में कहती है कि नागी को उनको क्या परेशानी है। दिखाया जाता है कि साची वहाँ से चली जाती है। हमें नागी के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इरिका चेन का सामना कैसे करूँ। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना बाल पकड़ते हुए कहता है कि मुझ पर लानत है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि नीचे कोई आ जाता है, वहाँ पर कोई बेल बजाता है। नागी बेल की आवाज़ सुनकर उधर देखता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लगता है कि कोई घर पर आ गया है। घर पर और कोई नहीं, हीरो चैन आती है। हीरो चैन के हाथ में पिज्जा होता है। हीरो चैन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेके आई हूँ। चैन की ऐसा ही बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि हीरो चैन आपका स्वागत है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि हीरो चैन अंदर आ जाओ। इरिका चैन की ऐसा ही बातें सुनने के बाद हीरो चैन अंदर आते हुए इरिका चैन से कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि नागी कुन को 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल की तरफ से। नागी की कोई भी गलती नहीं थी तब भी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हमें नागी के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। नागी दरवाजे से ये सभी बातों को सुन रहा होता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि हीरो चैन कहता है कि नागी कान लगा कर यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि रेखा चैन हीरो चैन से कहती है कि नागी कुन अभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि नागी कुन कह रहा है कि मुझे घर के अंदर भी सस्पेंड कर दिया गया है। रेखा चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि ऐसी बात है क्या, नागी कुन बहुत ही ज़्यादा दयालु है। कहता है कि नागी ये सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें दूसरे सीन में हीरो चैन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन पिज्जे के डब्बे को खोलते हुए इरिका चैन को कहती है कि इरिका चैन क्या नागी कुन को तुमने किस किया है क्या। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन हीरो चैन से कहती है कि लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी भी हीरो चैन की ऐसी भी बातें सुनने के बाद नागी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी कहता है कि हीरो चैन को इसके बारे में कैसे पता चला। दिखाया जाता है कि रेखा चैन साची की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे पता चल गया कि साची ने हीरो चैन को इसके बारे में बताया है। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि साची ऐसा कैसे कर सकती है। हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन पिज्जा खाते हुए इरिका चैन से कहती है कि मुझे पता है कि नागी कुन बहुत ही ज़्यादा दुखी था। किसी की मदद करने के लिए किसी को किस करना यह बुरा नहीं है, मैंने सही कहा ना इरिका चैन। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि आपने सही कहा। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन पिज्जा खाते हुए हीरो चैन से कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने नागी कुन को क्यों किस किया और बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहती हूँ कि नागी कुन मुझसे दूर ना हो जाए। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद हम हीरो चैन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन इरिका चैन को देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन सोचते हुए कहती है कि सुनिए इरिका चैन। इरिका चैन कहती है कि हाँ। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि पारिवारिक प्रेम एक अलग होता है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन सोच रही होती है और नागी को दिखाया जाता है। नागी भी यह सभी बातों को सुनने के बाद सोच रहा होता है। इरिका चैन कहती है कि सही में। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि चलो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताती हूँ। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि ओठों पर किस करना यह एक अच्छी शुरुआत है, क्या आपको यह परिवार की तरह नहीं दिखता इरिका चैन। इरिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन सोचते हुए कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इरिका चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद हीरो चैन इरिका चैन को समझाते हुए कहती है कि बालों पर किस करना परिवार के आगे बढ़ाने की यह अच्छी शुरुआत होती है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखाया जाता है। साची बहुत ही ज़्यादा मुंह फुला लेती है गुस्से के कारण। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि ओ हीरो चैन आपको जलन हो रही है ना, इसे प्यार कहते हैं। उसके बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन पिज्जा के डब्बा को वहाँ पर रखते हुए कहती है कि घर जाने का समय आ गया। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि ओह हीरो चैन आपका पिज्जा लाने के लिए आपका थैंक्स। दिखाया जाता है कि हीरो चैन जाते हुए इरिका चैन से कहती है कि मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक साथ रहते हो, आप दोनों एक परिवार की तरह बन चुके हो।
हीरो चैन की सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन हीरो चैन की तरफ देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन जाते हुए एरिका चैन से कहती है कि फिर मिलेंगे। एरिका चैन कहती है कि हाँ। जाता है कि हीरो चैन के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिका चैन सोचते हुए कहती है कि परिवार की तरह। हमें दिखाया जाता है कि एरिका चैन जैसे ही घर के अंदर जाती है वहाँ पर बेल बजता है। एरिका चैन कहती है कि अब कौन आ गया। दिखला जाता है कि एरिका चैन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है हमें दिखला जाता है कि वहाँ पर एचान होती है। एचान ने भी पिज्जा लाया हुआ होता है खाने के लिए। दूसरे सीन में दिखला जाता है कि एचान कहती है कि नागी कुन कहा है। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन एचान से कहती है कि मैं आपको बता दूँ कि नागी कुन किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद एचान कहती है कि मैं समझ गई। नागी कुन अभी घर में नहीं दिख रहा है, वो अभी रूम के अंदर बंद है ना। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वह किसी से भी नहीं मिलना चाहता है। दिखाया जाता है कि एचन हमारा सर झुकाते हुए कहती है कि लेकिन एरिका चैन मैंने सुना है कि आपने और नागी कुन ने किस किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिका चैन बड़े गुस्से में साची की तरफ देखती है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। एरिका चैन को ऐसा घूरता हुआ देखकर साची पसीने से लथपथ हो जाती है। दिखाया जाता है कि एचन एरिका चैन से कहती है कि मैं समझ गई कि तुमने नागी कुन को क्यों किस किया था। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन एचन की तरफ देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एचन एरिका चैन को बताती है कि एमए प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ भी हुआ था, नागी कुन बहुत ही ज़्यादा दुखी था, इसलिए तुमने नागी कुन को किस किया था ना, और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ नहीं हो। मैंने सही कहा ना एरिका चैन। एचान की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चैन का सीन दिखाया जाता है। एरिका चैन सोचते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद एचान खुश होते हुए कहती है कि नागी कुन जब छोटा था तो वो भी ऐसा किया करता था सभी के साथ। एचान की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन सोचते हुए कहती है कि यह माना जाता है कि यह दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि एचान जाते हुए कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाने का समय आ गया। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन कहती है कि ठीक है कल मिलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एरिका चैन जैसे ही दरवाज़ा बंद कर अंदर जाती है दोबारा बेल बजती है। एरिका चैन चलाते हुए कहती है कि कौन है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरिका चैन जैसे ही दरवाजे की तरफ सर पलटती है वहाँ पर पिज्जा वाला होता है। एरिका चैन कहती है कि साची तुमने पिज्जा मंगाया है दोबारा से। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची रोते हुए एरिका चैन से कहती है कि नागी कुन आज रात का खाना नहीं बनाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पिज्जा को ऑर्डर कर लूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन कहती है कि मैं समझ गई, चलो पार्टी करते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि साची पिज्जा का एक स्लाइस लेते हुए एरिका चैन से कहती है कि आपको पता है कि हीरो चैन और एचान ने जो भी कहा वह सभी चीज़ गलत है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची पिज्जा खाते हुए कहती है कि आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि प्रतिद्वंदी। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची एरिका चैन को बताती है कि जब आप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो आप एक दूसरे को किस करते हैं। क्या एरिका चैन आपको इसके बारे में पता था। एरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि चलो मैं तुम्हें सबूत दिखलाती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि साची शर्माते हुए एरिका चैन से कहती है कि क्या आप और नागी कुन हमेशा लड़ते नहीं है, यह एक दूसरे से प्यार नहीं है तो क्या है। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन चौंक जाती है। एरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि ऐसी बात है क्या। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है, नागी भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एरिका चैन मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे भी नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी को याद आता है कि एरिका चैन ने कहा था कि मैं नागी कुन को अपने से दूर जाने नहीं दे सकती। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी कहता है कि इसका मतलब है कि एरिका चैन मुझसे बस घर का काम करवाना चाहती है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। नागी सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नागी कहता है कि इसका मतलब है कि अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। कहता है कि नागी अपने डेस्क पर जाते हुए कहता है कि एरिका चैन हमेशा से ऐसी ही है। मैं एरिका चैन के बारे में क्या क्या सोच रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। एरिका चैन ने अभी पार्टी भी की है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने डेस्क पर जाते हुए कहता है कि इस समय पर मैं केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नागी अपने रूम से निकलते हुए कहता है कि मैं अभी भी एरिका चैन का सामना नहीं कर सकता, कम से कम 4 दिन का मेरा सस्पेंड खत्म नहीं हो जाता जब तक मैं एरिका चैन का सामना नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि नागी जैसे ही किचन में जाता है वहाँ पर बहुत सारे पिज्जे के डब्बे पड़े हुए होते हैं। नागी कहता है कि मुझे बहुत ही तेज से भूख लग रही है, मुझे बस रामीन खाना है।
में दिखलाया जाता है कि नागी सारे पिज्जा के डब्बे को एक जगह बांध लेता है, नागी फेंकने जाता है, नागी सुनता है कि मैं नहीं कर सकती, यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है, नागी दूसरी तरफ देखता है। वहाँ पर एरिका चैन फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। नागी एरिका चैन को देखने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, नागी दीवार के पीछे चला जाता है। नागी देखते हुए कहता है कि एरिका चैन, हमें दिखला जाता है कि एरिका चैन बात करते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई। हमें दिखला जाता है कि नागी चुपके से एरिका चैन की बातों को सुन रहा होता है। नागी अपने मन में कहता है कि एरिका चैन को क्या हुआ, एरिका चैन के साथ क्या हो रहा है, क्या एरिका चैन अपने पापा से बात कर रही है। हमें दिखला जाता है कि एरिका चैन बात करते हुए किसी से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे होने के बाद मुझे पता चला कि। हमें दिखाया जाता है कि नागी एरिका चैन की यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरिका चैन फ़ोन पर किसी से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे मुझे पता चला कि मैं नागी कुन से प्यार करने लगी हूँ। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, नागी चिल्लाने ही वाला होता है, नागी अपने मुँह को बंद कर लेता है, नागी शर्माते हुए कहता है कि क्या। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मुझे पता है कि आपको अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा।